आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी खाना। आज मैं मज़ेदार से इटालियन स्टाइल में नूडल्स बनाऊंगा और इसमें मेरे पास जो सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, ओरिगानो हर्ब, ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स और ये मैंने पेस्ट बनाई है। एक टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है टोमेटो केचप का, एक टेबलस्पून मैंने डाला है मायोनीज का। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 अदद, इनको मैंने चॉप कर लिए जूलियन कट में। और ये टमाटर मैंने लिए हैं, इनका पल्प निकाल लिया है, सिर्फ ये इस तरीके से इसका जो है ये मैंने इसको कट कर लिया है। और नूडल्स ये मेरे पास हैं और ऑलिव ऑयल मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून। इसको मैं गर्म कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ है जिसमें नूडल्स बॉयल करूँगा। और इसमें मैं अब 1 टेबलस्पून विनेगर इसमें ऐड करूँगा, उससे ये जो मेरे नूडल्स होंगे वो बहुत अच्छे शानदार किस्म के जो वो बनेंगे। और अब इसका मैं नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। पानी बॉयल हो चुका है, अब मैं इसमें नूडल्स ऐड कर दूँगा। एक छोटे साइज का मैंने प्याज लिया, उसको मैंने इस तरीके से फाइन चॉप कर लिया, ये मैं इसमें ऐड करूँगा। इनको मैं लाइट गोल्डन कलर करूंगा, बिल्कुल लाइट। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये इसमें ऐड करूंगा। ये 1 टीस्पून से ज्यादा नहीं आपने डालना। टमाटर, हरी मिर्चें ये इसमें ऐड करूंगा मैं। अब इनको फ्राई करूंगा। अब मैं ब्लैक ऑलिव डालूंगा, पहले मैं थोड़ा सीरप डालूंगा इसका, टेबल 1 से 1 टीस्पून के करीब। अगर मैं डायरेक्ट डालूंगा तो वो जलने को उसका थोड़ा सा होता है। अब मैं इसमें ग्रीन ऑलिव डालूंगा, इसका भी थोड़ा सा मैं सिरप 1 टीस्पून के करीब डालूंगा और फिर मैं इसमें ऑलिव डालूंगा, थोड़ा सा मैं सिरप डालूंगा। ऑलिव ऐड कर दिए, बहुत प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूंगा, तकरीबन 1 सर्विंग स्पून के करीब। चिली सॉस ये अपने आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना स्पाइस आपको पसंद है, और विनेगर ये 1 टेबलस्पून। इसको मैं मिक्स करूंगा। अब जो मैंने वो पेस्ट एक बनाई हुई थी मेयोनीज और टोमेटो केचप की, वो इसमें ऐड कर दूंगा। नूडल्स हमारे बॉईल हो चुके हैं, अब मैं इनका पानी स्ट्रेन कर लूंगा। पेस्ट मैंने ऐड कर दिए, अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। अभी मैंने इसमें नमक और ब्लैक पेपर ऐड नहीं किया। अब मैं इसको थोड़ा सा पकाने के बाद जो है फ्लेम को ऑफ कर दूंगा और जो नूडल्स मेरे रेडी हुए हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगा। ये देखें, इसका इस तरीके से कलर आना चाहिए।
अब मैंने नूडल्स जो स्ट्रेन किए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, आप जब भी नूडल्स बॉईल करें उसके अंदर विनीगर ऐड किया करें और उसके बाद उसको ठंडे पानी से वॉश किया करें। उससे ये होता है कि ये आपस में चिपकते नहीं है। ये देखें, एक एक नूडल्स अलग है। अब मैं इनको मिक्स करूँगा। ये देखें माशाल्लाह जबरदस्त। हाई फ्लेम के ऊपर अब आपने इसको कुक करना है। अब नमक ऐड करूंगा, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर आधी चाय का चम्मच, सूखा धनिया एक पिंच। अब मैं इसको मिक्स करूंगा। अब मैं इसमें ओरिगैनो हर्ब जो है वो इसमें ऐड करूंगा, तकरीबन आधी चाय का चम्मच। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके अपने डिश को सर्व करके बताता हूँ। जी मज़ेदार से मेरे इटालियन स्टाइल नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना अपने घरों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।